हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर जनरल स्टडी बर्ड। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, द सन, द अर्थ एंड द मून। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न स्ट्रक्चर ऑफ द सन एंड द अर्थ, फेजेस ऑफ द मून, फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्सेस, यूजेस ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स। द सन एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे और आकाशगंगा। जो सन और जो प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व करते घूमते हैं, ये बहुत ही छोटा पार्ट है गैलेक्सी का। इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे या आकाशगंगा। मिलियंस ऑफ स्टार, प्लैनेट्स एंड अदर सच बॉडीज मेक अप अ गैलेक्सी। बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट और बहुत सारे दूसरी बॉडीज मिलकर एक गैलेक्सी बनाती है। और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। और बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाती है। द सन, सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। सन एक हॉट गैसेस का बड़ा सा एक बॉल है, ह्यूज बॉल है। इट वॉज फॉर्म नियरली 4.6 मिलियन ईयर्स अगो। ये 4.6 मिलियन ईयर अगो बना था। इट इज एक्चुअली अ स्टार, ये एक स्टार है। इनफैक्ट इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, ये अर्थ के सबसे करीबी स्टार है। दैट इज वाई इट अपियर्स बिगर देन अदर स्टार, इसलिए ये हमें बड़ा दिखता है दूसरे स्टार्स के कंपेरिजन में। द सन इज ऑल्सो मच बिगर देन द अर्थ, और सन अर्थ से बहुत ही बड़ा है। द डायमीटर ऑफ द सन इज अबाउट 110 times द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो सन का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के 110 times बड़ा है। सन मेड अप ऑफ, द सन इज मेड अप ऑफ गैसेज दैट रिएक्ट विग्रेसली। विग्रेसली का मतलब होता है वेरी फास्ट। सन ऐसे गैसेस से बना हुआ है जो बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं। दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सन, ये सारी रिएक्शन सन के सेंटर में होती है। दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। इसके इन रिएक्शन के कारण बहुत सारे अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी वो रिलीज करता है। दिस मेक द सेंटर ऑफ द सन हॉटर देन इट्स आउटर सर्फेस ऑफ आउटर रीजन ऑफ सरफेस। इसके कारण जो सन का जो सेंटर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू उसके आउटर सरफेस या रीजन की। दिस एनर्जी ट्रेवल टू द आउटर रीजन ऑफ द सन फ्रॉम इट्स सेंटर। फिर ये जो सेंटर में जो सन की जो एनर्जी है वो आउटर सरफेस की तरफ ट्रेवल करती है। द सन रेडिएट्स दिस एनर्जी फ्रॉम इट्स सरफेस टू द होल सोलर सिस्टम। और सन ये सारे जो एनर्जी जो सरफेस पे होती है उसे सोलर सिस्टम में रेडिएट करता है, फैला देता है। दिस एनर्जी कॉल्ड सोलर एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। और इसी एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं जो हमारे लिए एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट हैज़ अ लाइफ ऑन इट। अर्थ एक सोलर सिस्टम का इकलौता प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ होती है। डू यू वंडर व्हाई, क्या आप सोचते हो ये ऐसा क्यों? द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण अर्थ के ऊपर लाइफ होती है। फर्स्ट, द अर्थ हैज़ वाटर, अर्थ के पास वाटर होता है, पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, और पानी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो वाटर से ही कवर है, इन फॉर्म ऑफ ओशंस, सीज, रिवर, लेक्स एंड आइस कैप्स। ये वाटर के फॉर्म में ओशंस, आइस, रिवर्स, लेक्स और आइस कैप में। सेकेंड, द रिमेनिंग 1/4 ऑफ इट्स सरफेस कंसिस्ट ऑफ लैंड, और जो बचा कुचा जो अर्थ का जो सरफेस है वो लैंड होता है। दिस लैंड हैज़ अ लेयर ऑफ सॉइल इन विच प्लांट्स एंड एनिमल कैन लिव। और इस लैंड के ऊपर एक सॉइल की लेयर होती है जिसके कारण प्लांट्स और एनिमल रह सकते हैं। थर्ड, द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। और थर्ड फैक्टर ये है कि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में वो एक बहुत सी जरूरी बोल तो गैसेस होती है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए ज़रूरी है। फोर्थ, द अर्थ रिसीव द राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ एक राइट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट सन से रिसीव करता है, लेता है। सो द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, इसलिए अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। फिफ्थ, द अर्थ एक्सर्ट द राइट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स टू होल्ड देम क्लोज टू इट्स सर्फेस। अर्थ एक राइट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, लगाता है उन
बॉडीज के ऊपर जो अर्थ के सरफेस पर घूमते हैं ताकि वो उसे होल्ड कर सके अपने पास। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो अलाउ अस टू मूव फ्रीली। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज लाइक अ स्फेरिकल बॉल। अर्थ एक स्फेरिकल बॉल की तरह होती है। द आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो अर्थ की जो आउटर लेयर बाहरी सरफेस है, बाहरी सतह है, वो इसे हम क्रस्ट कहते हैं। द सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड द कोर। जो सेंट्रल रीजन है इन्हें हम कोर कहते हैं। एंड द मिडल लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। और जो मिडल लेयर जो क्रस्ट और कोर के बीच में होती है उन्हें हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है क्रस्ट। इट इज द आउटर मोस्ट रॉकी लेयर और सरफेस ऑफ अर्थ ऑन विच कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन एक्सिस्ट। ये अर्थ के सबसे बाहरी रॉकी लेयर है जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स और ओशंस होते हैं। सेकेंड, इट कंटेन्स सॉइल एंड मिनरल्स नीडेड बाय लिविंग थिंग्स। इसी के अंदर सॉइल और मिनरल्स होते हैं जो हम जैसे लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी होती है। मेंटल, इट इज द मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ हॉट मोल्टन रॉक्स। ये मिडल लेयर होती है और ये हॉट मोल्टन रॉक्स कंसिस्ट करती है। सेकेंड, वायलेंट मूवमेंट ऑफ दिस हॉट मोल्टन मटेरियल रिजल्ट इन वॉल्केनिक एरप्शन एंड अर्थक्वेक ऑन द क्रस्ट। ये जो हॉट मोल्टन मटेरियल के अंदर जो मूवमेंट होता है इसके कारण हमारे अर्थ के क्रस्ट यानी आउटर सरफेस पर वॉल्केनिक एरप्शन और अर्थक्वेक यानी ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं और अर्थक्वेक भी आते हैं। थर्ड है कोर। कोर इट इज द डीपेस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की डीपेस्ट और हॉटेस्ट लेयर है। और इट द आउटर पार्ट ऑफ द कोर यानी जो कोर का जो आउटर पार्ट है जिसे हम आउटर कोर कहते हैं। इट इज मेड ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल। आउटर कोर है वो मोल्टन आयरन और निकल से मिलकर बना होता है। द इनर कोर इज लाइक अ हॉट सॉलिड बॉल मेड मोस्टली ऑफ आयरन। जो इनर कोर है वो मेनली हॉट सॉलिड बॉल है जो मेनली आयरन से ही मिलकर बना होता है।